डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम, डोमेन किसको बोलते हैं पता है? ठीक है, डोमेन मतलब कोई भी वेबसाइट का जो नेम होता है, www.saikollege.org। ठीक है, ये एक डोमेन है। ठीक है, ये क्या है? एक डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एक नाम होता है। ठीक है, एक उसका एड्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डोमेन बोला जा रहा है, ठीक है, ये डोमेन हम लोग को बोलने के लिए बहुत आसानी होता है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको पढ़ पाते हैं आसानी से और हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ठीक है, ये हम लोग को याद रखने में बहुत आसानी होता है। लेकिन अगर मान के चलो कि हम लोग को कोई नंबर्स याद करना है, जैसे मान लो मैं कोई भी एक नंबर बताता हूँ, ठीक है, 195.234.34.12, ये हम लोग याद नहीं रख सकते। ठीक है, ये हम लोग याद नहीं रख सकते। ठीक है, जब हम लोग इस टाइप का कोई भी एक डोमेन परचेज करते हैं तो हम लोग को साथ में ये नेम तो मिल जाता है, ये नेम हम लोग को मिल जाता है, लेकिन हम लोग को किसी एक आईपी एड्रेस से, ये होता है आईपी एड्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो हम लोग को किसी भी नेटवर्क में, मतलब इंटरनेट क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अगर करोड़ों कंप्यूटर कनेक्ट होंगे आपस में तो सबको एक एड्रेस मिलता है। अब कैसे एड्रेस मिलता है वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने यहाँ वाईफाई कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, वाईफाई मैंने कनेक्ट करके रखा है, ये वायरलेस का यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ वायरलेस प्रॉपर्टीज में चले जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डिटेल्स में अगर जाऊंगा तो ये आईपी एड्रेस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस क्या करेगा? मेरे कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है IPv4, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है, और ये मेरा एक्चुअल आईपी एड्रेस है 192.168.1.103। ये हमारा क्या है? एक्चुअल आईपी एड्रेस है। मतलब ये आईपी एड्रेस के थ्रू मैं किसी भी नेटवर्क में इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं इस आईपी एड्रेस के थ्रू मैं इस कंप्यूटर पे कोई भी मैसेज सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक आईपी एड्रेस का फायदा होता है। मतलब किसी भी नेटवर्क में आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी मोबाइल को, किसी भी डिवाइस को जो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब हम लोग उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एड्रेस होता है, IPv4 या IPv6 एड्रेस। ठीक है, IPv6 की अगर हम लोग बात करें तो IPv6 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप का IPv6 एड्रेस होता है, मतलब ये वर्जन 6 है, और यहाँ पे जो ऊपर हम लोग ने देखा था ये वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो IPv4 सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है तो मैं यहाँ पे वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है कि हम लोग इस कंप्यूटर को, जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उस कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं विद आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हम लोग इसको बोलते हैं। आईपी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस
हम लोग को मिलेगा ये आईपी एड्रेस, हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हम लोग को मिलेगा वेब होस्टिंग से, ठीक है? वेब होस्टिंग से हम लोग को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग सर्वर नेम सर्वर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नेम सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने हमने क्या किया, एक डोमेन परचेज कर लिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे डोमेन परचेज कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ डोमेन परचेज कर लिया www.saiercollege.org, हमने वेब होस्टिंग भी ले लिया, ठीक है। अब जब हम लोग वेब होस्टिंग लेंगे तो वहां से हम लोग को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, जिसको हम लोग नेम सर्वर बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेम सर्वर, ठीक है। ये एक ऐसा सर्वर होगा जिससे हम लोग इस डोमेन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसा हम लोग सिंपल सा हम लोग मोबाइल में कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, कॉन्टेक्ट हम लोग सेव करते हैं, हमारे पास नंबर है, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास, हम नंबर याद नहीं रखते हैं कभी भी, ठीक है, मेरे को खुद का भी नंबर याद नहीं रहता कभी कभी, ठीक है, लेकिन मैं अपना नंबर खुद सेव करके रखा हूँ। मैंने उसको क्या किया, एक नेम दे दिया, मैंने उसको नेम दे दिया www.saiercollege.org। ये नेम को और ये नंबर को, मतलब आईपी एड्रेस को, दोनों को आपस में लिंक करना हो। हमने नेम परचेज कर लिया, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वेब होस्टिंग ले लिया, जिसके पास नेम सर्वर होता है, ठीक है। अब नेम सर्वर का काम क्या है, ठीक है, नेम सर्वर का काम क्या है कि नेम सर्वर जैसे ही यूआरएल पे ये डोमेन जो है हिट होगा, मतलब मैं अगर वेब में खोलता हूँ, मैं अगर इसको खोलता हूँ, ठीक है, www.saiercollege.org, मैं अगर इसको खोलता हूँ तो ये क्या करेगा, इस डोमेन को रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करना मतलब यहाँ हम लोग को saiercollege.org ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये नेम दिख रहा है, इसके पीछे एक आईपी एड्रेस होगा, वो एक नेम सर्वर के आईपी एड्रेस से क्या करेगा, लिंक करेगा। किससे लिंक करेगा, इस यूआरएल में हम लोग जब हिट करेंगे इस डोमेन को, ठीक है, वो इस आईपी एड्रेस के साथ लिंक होगा, ठीक है, वो इस नेम से कहाँ पे चल जाएगा, इस नेम सर्वर पे, और यहाँ पे इस नेम को रिजॉल्व करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज बताया, ठीक है, फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया, एक हमने डोमेन लिया, ठीक है, डोमेन परचेज कर लिया, एक वेब होस्टिंग परचेज कर लिया, वेब होस्टिंग में हम लोग को नेम सर्वर मिलेगा, नेम सर्वर में एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो जब दिखाया था उस समय भी मैंने उसमें सारी चीजें प्रोसेस करके बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दोनों आपस में लिंक हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग यूआरएल पे यहाँ पे हिट करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे हिट करेंगे, जब ये लोड होगा, तो वो इस नेम सर्वर के थ्रू वेब सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप वन होता है डोमेन परचेज, ठीक है, स्टेप टू होता है, ठीक है, वेब होस्टिंग, स्टेप थ्री होता है, ठीक है, स्टेप थ्री होता है लिंक डोमेन एंड वेब सॉरी नेम सर्वर, ठीक है, दोनों को लिंक करना आपस, मतलब वेब होस्टिंग और डोमेन दोनों को लिंक करना होगा आपस में। तो एक ही तरीका है नेम सर्वर, जब हम ये आईपी एड्रेस जो है इस डोमेन के अकाउंट में हम लोग डाल देंगे, तो दोनों आपस में लिंक हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये दोनों आपस में लिंक हो जाता है, तो स्टेप नंबर फोर क्या होता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब यहां से डोमेन का काम है सिर्फ नेम देना,
ठीक है, दोनों को आपस में लिंक कर दिए। अब उसके काम उसके बाद क्या होगा, हमेशा स्टेप नंबर 4 परफॉर्म होते रहेगा, क्योंकि ये 3 स्टेप एक ही बार होता है। ठीक है, 3 स्टेप एक ही बार होगा जब हम लोग नया नया डोमेन परचेस करेंगे। फिर स्टेप नंबर 4 जो है, जब भी ये यूआरएल पे हम एड्रेस डालेंगे तो हर बार ये डोमेन नेम रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो काम करेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे ही हमने यहाँ पे www.scicollege.org हमने खोला, ठीक है, अब ये नेम ऊपर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये आईपी एड्रेस है। एक्चुअल में क्या है, आईपी एड्रेस है। तो डोमेन सर्वर हो जो होगा, मतलब जो हमारा वेब होस्टिंग है उसके पास एक सर्वर होगा, जिसके पास जैसे ही हम लोग नेम सर्वर में रजिस्टर करेंगे इस डोमेन को, तो ये आईपी एड्रेस के साथ ये डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। और जब जब हम लोग इस डोमेन को यहाँ पे डालेंगे, और आईपी एड्रेस कौन सा खोलेगा, ये वाला आईपी एड्रेस खोलेगा। हु इज दिस, ऐसे हु इज, ठीक है, हु इज, हम लोग यहाँ देखते हैं। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा डोमेन क्या है, हमारा डिटेल्स क्या है, सारा चीज हम लोग को पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डोमेन डाल देता हूँ, scicollege.org, ठीक है, और सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये scicollege.org का यहाँ पे दिख रहा है, उसका नेम जो है GoDaddy से लिया हुआ है, हु इज, ठीक है, हु इज सर्वर है, रेफरल यूआरएल है, ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लोग को उसका आईपी एड्रेस भी दिख रहा है जो यहाँ पे नेम सर्वर है। ठीक है, हमारा डोमेन क्या है, scicollege.org। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायर कब होने वाला है, 2021 को एक्सपायर होने वाला है। रजिस्टर कब हुआ था, 2017 को हुआ था। ठीक है, अपडेट कब हुआ है, 2011 को हुआ है, और ये इसका नेम सर्वर है। ठीक है, जो मैं नेम सर्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो नेम सर्वर है ये हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, वेब होस्टिंग से हम लोग को मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, वेब होस्टिंग से हम लोग को मिलेगा। तो ये जो दो ठोक सर्वर है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या खुलेगा, इस आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पे सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये सर्वर के बारे में यहाँ बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है, सर्वर के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब ये सर्वर की सारी डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो नेम सर्वर है, इसका काम क्या है कि जो हम लोग यूआरएल हम लोग ने लिया है, मतलब डोमेन हमने जो लिया है, उसको क्या करेगा, डोमेन नेम रिजोल्यूशन के साथ, ठीक है, हर बार वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, और हर बार इसी एड्रेस के साथ प्रोसेस करेगा, ये एक स्टैटिक एड्रेस होता है। ठीक है, ये क्या होगा, एक स्टैटिक एड्रेस होगा। ठीक है, तो जनरली यही प्रोसेस होता है डोमेन नेम सर्वर का, या फिर हम लोग इसको नेम सर्वर बोलते हैं, या फिर हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ठीक है, तो डोमेन का काम यही होता है कि एक नेम रहेगा, उसके पीछे आईपी एड्रेस होगा, दोनों आपस में लिंक होगा। जब हम लोग यूआरएल पे उसको हिट करेंगे तो अल्टीमेटली वो आईपी एड्रेस को ही ओपन करके वो हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या है, डोमेन और आईपी एड्रेस को आपस में लिंक करना, और जब भी यूआरएल ओपन होगा तो डोमेन नेम रिजोल्यूशन की सहायता से उसको ओपन करेगा।